ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ तो है गाइस, हम जा रहे हैं चांदनी चौक। कहाँ जा रहे हैं? चांदनी चौक। और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हम, क्योंकि ये तो मिलते हैं आपको चांदनी चौक में। आज क्या करेंगे, आज के दिन हमें नहीं पता, तो धीरे धीरे आपको बताते हैं। मकसद कुछ है नहीं है, तो पहले चांदनी चौक जाएंगे थोड़ा सा, या फिर पहले जामा मस्जिद, जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ेंगे पहले जाके, तो पहले जामा मस्जिद भी जा सकते हैं और या चांदनी चौक। So, let's कुछ get... भी हो सकता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं कहाँ बताइए? चांदनी चौक। अरे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आज हम जा रहे हैं, अलग ही मजा आने वाला है। मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं गाइस, मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं गाइस। हम मिलते हैं आपको अगले शॉट में। सर जैसा होता है कि सामने की मेट्रो आ जाती है और हमारी नहीं आती है, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं हमारी मेट्रो के आने का। ब्लॉग में जो पिछले ब्लॉग में जो आपने स्टूडियो देखा था वो यही है, इस वक्त खुला हुआ है। हा हा, ये लोग क्यों बैठे हुए नीचे नहीं पता, आपको पता है? और बहुत ही इंतजार कर रहे हैं हम मेट्रो का कि मेट्रो आ जाए, मेट्रो आ जाए, लेकिन मेट्रो नहीं आ रही है, तो हम इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? तो मेट्रो आ चुकी है, सो मेट्रो आ चुकी है, अभी से हम क्या करेंगे, बैठेंगे ऑब्वियसली। या 1 2 3 तो गाइस हम मंडी हाउस पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम मेट्रो चेंज करेंगे और यहाँ से हम मेट्रो चेंज करने के बाद पहुंचेंगे जामा मस्जिद। हम लोग आ चुके हैं जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद हम पहुंच चुके हैं, वहाँ की सड़कों पे घूम रहे हैं और नमाज में भी टाइम है, तो अभी हम वहाँ पर ही घूमेंगे। एक घंटा है, पूरा एक घंटा गाइस। तो गाइस सामने भी जामा मस्जिद दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सामने जामा मस्जिद है, और बस अभी वहीं पर जाने वाले हैं हम। ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी बिरयानी बनती हुई, यहाँ पर सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं शायद से। ओहो नाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी वाजवान नाम से ये एक रेस्टोरेंट है। सुना है यहाँ पर कश्मीरी वाजवान मिलते हैं, यानी कश्मीर का खास खाना। देखते हैं कभी खाकर ट्राई करेंगे तो पता ही आप लोगों को। हेलो, ये यहाँ आपको जामा मस्जिद दिख रही होगी असीम, जामा मस्जिद देख के आप क्या कहना चाहते हो? ये यहाँ पर जामा मस्जिद हमें दिख चुकी है, और देखिए यहाँ पर अलगुलजार, ये खाने की जगह है, और मीना बाजार आप देख सकते हैं यहाँ पर, मीना बाजार। बहुत ही मजा आ रहा है गाइस यहाँ पर, और मतलब इतना मजा शायद ही कभी मुझे आया हो जिंदगी में। पानी पिलाऊंगा। तो जामा मस्जिद गलियों में आके कैसा लग रहा है सीम साहब? जामा मस्जिद तो आकर बस यही है कि वूहू, आवाज ही तो दब गई इस बार। तो भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, चलिए आगे चलिए। भैया कितने बड़े एक बजे तो क्या जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग जा रहे हैं? हाँ लोग जल्दी जा रहे हैं, जगह कम पड़ जाएगी, तो हम जाना चाहिए। राइड है, इस वजह से यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर, और लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और ख़ास करके लोग घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त भीड़ बढ़ जाती है आज के दिन ख़ास करके, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी आपको। हम अंदर जाएंगे क्योंकि हमें नमाज अदा करनी है, तो चलो अंदर चलते हैं और क्या करेंगे, चलिए अंदर लेके हम चले। खूबसूरत जामा मस्जिद आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोग नमाज का अहतमाम कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अजीम भाई नमाज से पहले ही दुआ मांग रहे हैं। अजीम भाई अभी रुक जाएँ ज़रा, अजीम भाई रुक जाएँ, रुक जाएँ आप। हाँ, और यहाँ पर देखिए पीछे से मस्जिद, लोग वजू कर रहे हैं, वजू खाने की तरफ देख सकते हैं आप, और बहुत सारे लोग वजू कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और बढ़िया एकदम तैयारी चल रही है, जुम्मे का दिन लग रहा है कि आज जुम्मे का दिन है। चलिए तो हम भी वजू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ओके पाजी, ऐसे पाजी इतना खुश है, इतना खुश क्यों? बस अभी इंतजार है नमाज का, तो बस वही करेंगे। पाजी पाजी तुसी वजू कर लेता? हाँ पाजी वजू करके काला चश्मा पा लिया। पाजी असी वजू कर लेता है, वजू करके चश्मा काला चश्मा पा लेता है, ते अब हुण एहतराम की तबलीग में चलने का मजा दे। पाजी हाँ पाजी, अज दे व्लॉग दा मतलब की हैगा? पाजी अज दे व्लॉग का मतलब तो ये तो तुम मैनू नहीं बताया, तुहानू नहीं पता? नहीं पाजी, मतलब ऐ हैगा सी अज दा मकसद, ऐ हैगा सी अज दे व्लॉग दा, ओ
ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਜੈਨੂਇਨ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਏਗੇ ਕਰੈਕਟ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾ ਤੇ ਕਹੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਨੋ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਡਿਡ ਦਿਸ ਭਾਜੀ ਐਕਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਭਾਜੀ ਯਾ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਐਕਸੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਭਾਜੀ ਬੋਹੇਮੀਆ ਕੀ ਛੱਡੀ ਔਲਾਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਰੰਚ ਰੰਚ ਸੋ ਭਾਜੀ ਓ ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ ਯਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਇਨ ਅ ਹੋਲ ਡੇ कोई गल नहीं पाजी असीं खींच दांगे तुहाडी फोटो इत्थे देखा अस्सलाम वालेकुम भाई ठीक लग रहा वो चले गए सी आ गए सी ऐ तो गेट हैगा पीछे दा रस्ता हैगा नो नो आई एम नॉट सेइंग समथिंग टू यू so this is the way we are talking right now so yeah huh what are you saying sir is going to start what let's grab a position okay let's grab a position but I need ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੂਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਮ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੂਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਟਣਾ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 6 ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਗੇਟ ਆਫ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯਾ ਭਾਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਰਾਊਡ ਯੈਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਸਟਕ ਹੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਕਰਾਊਡ and yes. you can imagine like yes some people is dhakka maring you see the view hai you can that way shoot me dekho like nahi ye hai meena bazaar aap dekh sakte hain mere sath bahut hi zor se bola bhai यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा लेके जूते से लेके चप्पल से लेके शर्ट से लेके कंबल से लेके चादर से लेके मोजे से लेके सब छह जोड़ी 100 रुपए के आपको यहाँ पे मोजे मिल सकते हैं बिना बाजार है मजाक नहीं है टोपियाँ भी लेंगे आपको देखिए रेट बताइए भाई 550 रुपए का मिलेगा आपको पता है शुक्रिया भाई चूड़ियाँ मिलेंगी अंधी लाशें मिलेंगी फिर आपको पेठा और खजूरे भी मिलेंगे यहाँ पर जगह पर जो गाड़ियाँ जो चलाते हैं स्कूटर चलाते हैं बाइक चलाते हैं जो लड़के अगर मेरे पास पैसा होता उनको पकड़ के इतना मारता मैं लेकिन नहीं मार सकता क्योंकि वो फिर मुझे मारेंगे सॉरी देखो बुरी चलाते हैं पॉप करते हैं बाइक सही है लड़की जब भी लड़की का पैसा होता लाइक करो कमेंट करो भाई को सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो शुक्रिया देखिए कितना बड़ा गुब्बारा ये देख सकते हैं आप इतना बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं थी पूरी इंडिया में मशहूर जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद बुढ़िया के काते आपको मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको दिल्ली के मशहूर जायके मिलेंगे जो आप खाना चाहेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा तो जरूर ट्राई करिएगा इन गलियों में आकर यहाँ के खानों को तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी करो मजे करो और घूमो फिरो क्योंकि यही है जिंदगी पैसा नहीं कमाओ भाई पैसा उगता है पेड़ पे से निकलता है पैसा हमें देखो पैसे की चिंता ही छोड़ो उधार लो कर्जा लो हमें देखो कोई टेंशन है पैसे की नहीं है इतना कर्जा लो कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे लिए दुआ करे कि इसे कुछ ना हो जाए लोग आपके लिए दुआएं करेंगे आपको कहीं जाने नहीं देंगे समझे आप तो कर्जे ले लो जरूरत नहीं है आपको ये करने की काम चलिए तो अगली वीडियो में आपको लेके चलेंगे चांदनी चौक की गलियों में बल्ली मारान की गलियों में मिर्जा गालिब साहब की हवेली पर और हाँ बस यही तो पार्ट टू में मिलते हैं यानी अगली वीडियो में मिलते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना ठीक